उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की करारी हार के बाद आखिरकार पार्टी टूट ही गई। शिवपाल सिंह यादव ने हाँ ना करते हुए आखिरकार अपनी नई पार्टी समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस नई पार्टी के अध्यक्ष सपा के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव होंगे। पार्टी के नाम की घोषणा करते हुए शिवपाल ने कहा कि मुलायम सिंह यादव उनकी पार्टी के मुखिया होंगे। इसके साथ ही शिवपाल ने यह भी कहा कि नेताजी को उनका सम्मान वापस दिलाने और समाजवादियों को एक साथ लाने के लिए इस मोर्चे का जल्द ही ऐलान होगा। आपको बता दें कि चुनाव से पहले ही यादव परिवार और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मची कलह खुलकर सामने आ गई थी। पूरी पार्टी अखिलेश और शिवपाल खेमे में बंट गई और पार्टी में कई नाटकीय माहौल देखने को मिला। मुलायम सिंह यादव अपने भाई शिवपाल यादव के साथ खड़े हुए नजर आए। इसके बाद अखिलेश को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। हालांकि शिवपाल की ओर से कई बार अखिलेश यादव को पार्टी की कमान वापस मुलायम के हाथों में सौंपने को कहा, लेकिन अखिलेश चाचा शिवपाल के सामने झुकने को तैयार नहीं और आखिरकार अब यादव परिवार का कुनबा अलग होने को तैयार है। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच अब नई पार्टी के नाम का ऐलान हो गया है। हालांकि शिवपाल पार्टी तो बनाएंगे मगर पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव होंगे। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव इसे किस तरह लेते हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।